ये जो तबलीगी जमात है जो पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए निकल चुका है, तमाम तरीके अपना रहा है, पेशाब के जरिए, थूक के जरिए, मल मूत्र के जरिए, सब्जियों में, दूध में, घी में और दही में और थूक मिलाकर, पेशाब मिलाकर ये तबलीगी जो कोरोना फैलाने का जो पूरा प्रसार कर रहे हैं, आपको कोरोना जैसी महामारी के जो तबलीगी जन्मदाता हैं, इनसे अगर बचना है तो आपको हिंदू सैलून में जाना पड़ेगा। नमस्कार हिंदू योद्धाओं, हिंदू परिवारों और हिंदुत्व के समर्थक मेरे भारतवासियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं हिंदू आर्मी की तरफ से। मैं आज नए मुद्दे के साथ हूं। हमने फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ का जो है तबलीगियों का बायकॉट किया, आज उसकी भारतवर्ष में सफलता मिली है। भारतवर्ष के अंदर जो है सभी दुकानों पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और हिंदू हिंदू से खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया है। तमाम तरह से न्यूज आ रही है पूरे देश से, जो ये हिंदू आर्मी का पहल था ये काम आया है। अब बात ये दोस्तों, कुल मिला के ये है कि आपसे अनुरोध है, पूरे भारतवासियों से अनुरोध है कि आप सब्जियों का जिस तरह से आपने तबलीगियों का जो बायकॉट किया, उसी तरीके से अब आप आ जाइए हिंदू सैलून में बाल कटवाएं, हिंदू सैलून में बाल कटवाएं या घर पे हिंदू अस्तुरा वाले को, नाई को बुलाएं। और क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तबलीगी जो है वो लॉकडाउन के बाद वो जो है जावेद हबीब जैसे जो सैलून है उसके थ्रू आपको तौलिया से और उनके तमाम अस्तुरा से, तमाम इंस्ट्रूमेंट से वो कोरोना फैला सकते हैं। तो इसलिए ये जो तबलीगी जमात है जो पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए निकल चुका है, तमाम तरीके अपना रहा है, पेशाब के जरिए, थूक के जरिए, मल मूत्र के जरिए, सब्जियों में, दूध में, घी में और दही में और थूक मिलाकर, पेशाब मिलाकर ये तबलीगी जो कोरोना फैलाने का जो पूरा प्रसार कर रहे हैं, आपको कोरोना जैसी महामारी के जो तबलीगी जन्मदाता हैं, इनसे अगर बचना है तो आपको हिंदू सैलून में जाना पड़ेगा। हिंदू सैलून, नोट कर लीजिए, हिंदू सैलून या हिंदू नाई। और ये नहीं होता तो आप हिंदू नाई का अपने क्षेत्र में नंबर हिंदू आर्मी से लीजिए, हिंदू नाई का नंबर हम देंगे आपको पूरे देश में। बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे आपको हिंदू नाई का नंबर मिलेगा, हिंदू सैलून का डिटेल मिलेगा। और अगर नहीं होता तो आप मार्केट से ट्रिमर खरीद सकते हैं, जो तमाम तरीके से जो है बिक रही है मार्केट के अंदर। आप घर में अपने परिवार से जो है किसी का मदद लेके उसको कटवा सकते हैं। आपका पैसा तो बचेगा बचेगा, सेहत भी बचेगा। तो इन तबलीगियों का बायकॉट करें। मैं पूरे हिंदू समाज, पूरे विश्व के हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि तबलीगी समाज, तबलीगी जमात जो भी हैं, इनका बायकॉट करें। इनको ये सबक सिखाएं बायकॉट करके कि जो हिंदुस्तान ने, जो भारत ने इनको इज्जत दी है, जो इज्जत से नवाजा है, अपनी उदारवादिता दिखाई है। हम बायकॉट करके आपको बता सकते हैं कि आप जो है इस भारतवर्ष के लायक नहीं है। इसलिए पूरे पुनः और पुनः भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करता हूं कि हिंदू से बाल कटवाएं, हिंदू नाई से बाल कटवाएं या हिंदू सैलून का इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप तमाम तरह की ऑनलाइन ट्रिमर और इस तरह की व्यवस्था है उसमें भी देखें, जो भारतीय कंपनी है उसका लें। अननेसेसरी जो है तबलीगी इसमें ज्यादा काटने, बाल काटने में ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इनको बायकॉट करना है। उसमें भी ध्यान देना है कि हिंदू प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का भारतीय प्रोडक्ट ही लेना है, चाहे वो रामदेव बाबा के कोई सेविंग प्रोडक्ट हो या बाल काटने का प्रोडक्ट हो, वो खरीदे। वो भारतीय है, प्रॉपर भारतीय है, चूंकि वो व्यापारी है लेकिन भारतीय है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, हमने इसी तर्ज पे आज एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर इन्होंने गवर्नमेंट के आदेश से सैनिटाइज किया हुआ जो व्यवस्था है, कैंची से लेके और ट्रिमर तक, और सारी चीजें इनके पास व्यवस्था में है। आप देख सकते हैं ये ट्रिमर है, इस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। और नहीं तो आप हमसे बताएं, हम आपको नंबर देंगे हिंदू नाई का पूरे देश के अंदर। तो हिंदू नाई का नंबर हम देंगे, और नंबर देने के बावजूद नहीं मिलता है तो आप ट्रिमर खरीद लीजिए और ट्रिमर खरीद के अपने घर पे बाल कटाइए। लेकिन पुनः पुनः भारतवर्ष निवेदन है कि इस तरीके के तरीका अपनाएं। जो ये देखिए, क्या नाम भाई आपका? राकेश शर्मा। आप घर घर अपने लड़के भेज सकते हैं, हिंदुओं के यहाँ भेज सकते हैं?
कोई आपको तकलीफ तो नहीं है? तो देख लीजिए भाई साहब, इनका आशियाना में सैलून है, ये हिंदू नाई है और हिंदू सैलून है, इनके यहां बाल काटने वाले सारे हिंदू हैं, और हिंदू कभी थूक नहीं मिला सकता, हिंदू कभी पिशाब नहीं मिला सकता, हिंदू मलमूत्र नहीं मिला सकता, हिंदू कोरोना नहीं फैला सकता। हिंदुत्व एक स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो जिस तरह से सब्जी का और खाद्य पदार्थ का आपने जो है हिंदुओं से लेना स्टार्ट कर दिया, हिंदुओं की दुकान पे जाना चालू कर दिया, उस हिसाब से आपसे निवेदन है कि आप उसी तर्ज पर सैलून का बायकॉट करें। किसके सैलून का? जावेद हबीब के सैलून का, या उनके जैसे उनके मिलते जुलते नामों के सैलून का बायकॉट करना है। सभी हिंदू वासियों से पुनः और पुनः निवेदन है कि सैलून का बायकॉट करें। किसके? जावेद हबीब और उनके अनुयायियों, तबलीगियों का, तबलीगी और उनके अनुयायियों, उनके समर्थकों का बिल्कुल आप बायकॉट करें। यह मेरा पुनः और पुनः निवेदन है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो आज हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है, हमने तो अपने अपने बच्चे से ये बाल कटवाया, आपने देखा थोड़ा उल्टा तीजा कटा है लेकिन बिल्कुल प्रॉपर कटा है। अब बात आती है कि लोगों को बुरा लग जाता है, लोगों को बुरा लग जाता है, बुरा ये लग जाता है जब मैं बात करता हूं हिंदू सैलून, हिंदू सब्जी वाला, हिंदू परचून, तो बुरा क्यों लगता भैया? आप भी तो हलाल मार्क बेच रहे हो। जब मुझे हलाला से प्रॉब्लम नहीं, हलाल मार्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हिंदू नाम से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, भगवा से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये मेरा कहना है, यही निवेदन है आप भारतवासियों कि हिंदू से ही खरीदें, हिंदू से ही खरीदें, तबलीगियों का प्रॉपर बायकॉट करें, इनको दिखा दें कि हिंदू समाज जाग गया है और जाग रहा है। सभी हिंदू योद्धाओं को, भारतवासियों को, हिंदू परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए सिर्फ हिंदू दुकानों से ही आप सेवाएं लें और हिंदू संस्थानों से सेवाएं लें और हिंदू सैलून का इस्तेमाल करें। आज का विषय ही सैलून का। जय श्री राम, जय बजरंगबली।